हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज मैंने कर ली, फ्रूट्स भी मैंने खा लिए हैं, और ये बनाया है काढ़ा। इसको छान के डालूँगी इसमें, और अभी बनाने में टाइम हो रहा है। एक मिनट आपको टाइम बताऊँ, टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं दोपहर के, और अब बनाने जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे उसको, ब्रेकफास्ट क्या बोलेंगे, ब्रंच, हाँ जो भी है वो बनाने जाऊंगी। और काढ़ा छान रही हूँ। आज बनाऊंगी पराठे दाल के। वैसे आप लोग को अभी तक मेरी कुकिंग देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मुझे पराठे बनाना वैसे नहीं आता। बाकी चीजें तो आई कैन कुक, लेकिन पराठे मेरे से फटे फटे से बनते, पता नहीं क्यों। पराठे बनाने में आई एम जीरो, तो सिर्फ पराठे बनाने नहीं आते, और वही मैं बना रही हूँ। पराठे मतलब स्टफ पराठे दाल के। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने हाथ धो दिए हैं साफ साफ, और फ्रिज से सारा सामान भी बाहर निकाल दिया है। ये है आटा, ये है दाल, ये रही सोयाबीन की दाल है, और इसमें मैं डालूंगी एक प्याज काट के बारीक बारीक। यार पता नहीं मेरे से पराठे क्यों नहीं सही बनते हैं, पर क्या करूं, कोई और ऑप्शन है नहीं, तो ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा जो भी। प्याज लेके आती हूँ एक बाहर से, आज धूप निकली है, दिखाती हूँ। हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे गद्दा सुखाने डाला है, और धूप निकली है, थोड़ी बहुत धूप निकली है। कल बारिश शुरू हो रही है लेकिन ना, तो हम निकाल लेते हैं अपने प्याज। कौन सा निकालूं भाई, कितना, ये ठीक है। पहले दोस्तों क्या करें, प्याज में और प्याज को काटे, प्याज को काटने के लिए सबसे पहले चाकू ढूंढे, नहीं मिल रहा है कहाँ ढूंढे चाकू। ये है प्याज, चाकू सबसे इंपॉर्टेंट है, चाकू। तो चाकू से काटिए प्याज को। यह है, और इसमें मैं डाल रही हूँ उबली हुई ये दाल, मैंने उबाल के रखी थी। बस क्या है, ये कस्तूरी मेथी, ये डाल रही हूँ थोड़ी सी, और अपने हिसाब से। यार मैं बताती तो ऐसे हूँ जैसे कि मेरे पराठे बिल्कुल प्रो बनते होंगे, पर जैसा होता है वैसा ही बना देती हूँ, क्या कर सकती हूँ। और इसमें आएगा इतना सा नमक, मतलब जैसा मैं डालती हूँ, और इतनी सी मैं डाली इसमें मिर्ची, और थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल दीजिए, और थोड़ी सी धनिया। बस अब इसका ढक्कन लगा लीजिए और इसे पीस लीजिए। इसको पीसने लगी हूँ, जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ, सफाई करते रहें, कोई और आएगा नहीं आपकी सफाई करने, हैप्पी को करनी पड़ेगी। देखो ऐसा हो गया, इसको रख देते हैं साइड। अपने हथियार निकालो, जैसा बने मुझसे जैसा बनता है मैं अपने लायक बना देती हूँ। मेरी पराठा, पहला पराठा देख के भी आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यादा सही से नहीं आता मेरे को पराठा बनाना, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है ना।
गया तो कम कर दो। और इसको मैं उठा के ऐसे जैसा मुझे आता है यार, मुझे पराठा बनाना। प्लीज फटना मत यार, मैं थक गई हूँ। फटे नहीं फट रहा। ओ भाई बिल्कुल सही होना है, बिल्कुल परफेक्ट। आई शो यू फिट। ये देखो ये है मेरा पराठा बिल्कुल थोड़ा सा फटा है पर फिर भी ऑलमोस्ट परफेक्ट है मैं बहुत खुश हूँ। तो पराठा गोल बनने की और ना फटने की खुशी मेरे मुंह पे देख सकते। देखो ये देखो दिख रहा है। और इसको डाल देंगे हम तवे पर। मुझे बहुत खुशी सी हो रही है। दूसरा पराठा देखते हैं। ये थोड़ा सा इसे बोलते हैं घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज पे, या फिर होप नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे पराठे नहीं आते थे मेरे। आपने इससे पहले पराठा देखा होगा तो बिल्कुल खराब, ये भी इतना परफेक्ट नहीं है, छोटा सा ही छेद है। बन गया है, हाथ धुल लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ नाश्ता करने के बाद। शाम के बज रहे हैं, शाम के बज रहे हैं 5 और मैं अभी आई और भीग गई आते हुए। दरवाजा बंद कर दो एक मिनट। भगवान जी चाहते हैं इस बार हम सारे निपट ही जाए, मतलब चाहे नहीं रहे कि कुछ भी हो। बादल बोल रहे हैं कैंडल। मोदी जी की भी मेरी है, ये मैंने उस दिन जलाई थी जिस दिन बोला था नहीं था दिए जलाने। बारिश हो रही। कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन छोटे छोटे ना कुछ निकल आया, आपको दिख रहा है? देखो छोटे छोटे पेड़ पौधे कैसे निकले एक दिन में। करी पत्ता को कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ। और ये बरसात का मौसम आ गया है क्या? बरसात आ गई है क्या? शाम के बज रहे हैं 8 और मैं काट रही हूँ सुबह के लिए फ्रूट्स, एप्पल और पोमेग्रेनेट अनार। ये दो कि मैं शाम को काट के ही रख लेती हूँ फ्रूट्स, क्योंकि सुबह
मैं बहुत आलसी हूँ, मैं सुबह बहुत लेट उठती हूँ, और क्या, सुबह लेट उठती हूँ तो काट नहीं पाती, तो अभी काट के फ्रिज में रख रही हूँ और अभी बनाऊंगी डिनर। ये इतना टाइट हो गया ना अनार, कट नहीं रहा। कट जा भाई, कट जा भाई, यार ये इतने। और बारिश हुई है, दिखाया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, लेकिन ओह मौसम में ना इतनी पसीना पसीना हो रहा है। देखो डिनर मैंने कर लिया है, अब मैं धोने लगी हूँ। रात को सोने से पहले मैं फेस वॉश करके सोती हूँ। जब मैं आई थी ना बाहर से, मैंने नहीं धोया था, तो सोने से पहले एक बार फेस वॉश कर लेती हूँ। अब इसे ऐसे उलट के इसलिए करूंगी क्योंकि पूरा यूज करना है इसको, आ नहीं रहा उसमें। कैसे लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। धोने के बाद फेस पे ऑयल अप्लाई कर दिया, रात को सोते हुए ऑयल ही अप्लाई करती हूँ। या बादाम और डालो, एक दो तीन चार पाँच, और ये अभी मैं खाऊंगी। वैसे लो भीग गए, एक मैंने लाइट बंद कर दी, अभी अभी खा दिया। अब मुझे कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, आई एम परफेक्टली फाइन बिना भीगा हुआ बादाम खाने में। पर क्या करें, 10 बजने वाले हैं रात के। दिखाऊं देखो, उल्टा दिख रहा होगा ना कैमरे में, उल्टा ही दिखता है। और तीन एपिसोड देख डाले, वो थोड़ा सा खुला है। और अब मिलती हूँ आपसे कल।